असी पंजाबी एक तारीख गवाची हुई सदियां दी एक मुकद्दस पोथी दे असी खिलरे हुए वरके वाह विच उड़दे फिरदे वरकियां उत्ते जगदे बलदे अखर अखां विच मरदाई वाले किन्ने बलदे सूरज। हाँ जी दोस्तों, पंजाबी कवि अफसल एसर रंधावा जी की रचना पंजाब दी वार विचलियां इन्हां सत्रां दे नाल तुहानूं प्यार भरी सति श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, गुड ईवनिंग, सलाम। मैं प्रोफेसर लखवीर सिंह तुहानू दशमेश खालसा कॉलेज मुक्तसर परिवार के इस ऑनलाइन विड़े तुहाडा सारयां दा इस्तकबाल करदा, तुहाडा सारयां दा स्वागत। दोस्तों मैं बेनती करांगा जिहड़े दोस्तां नू इस लाइव लैक्चर के नाल फेसबुक के माध्यम के राही यूट्यूब के माध्यम के राही जुड़े हुए ने, वह दोस्त वध तो वध अपने दोस्तों के नाल, अपने सहकर्मियों के नाल, अपने विद्यार्थियों के नाल इस लैक्चर नू वध तो वध सांझा कर देन ताकि बाकी दोस्त भी साडे नाल जुड़ जाण ते अज दे इस इंपोर्टेंट लैक्चर नू साडे बाकी दोस्त भी सुन सकन। सो दोस्तों नू गुजारिश है कि वध तो वध इस लैक्चर दे लैक्चर नू अपने दोस्तों के नाल, अपने विद्यार्थियों के नाल फेसबुक ते यूट्यूब के माध्यम के राही सांझा कर देन ताकि बाकी दोस्त साडे नाल आ जाण। दोस्तों दशमेश खालसा कॉलेज मुक्तसर परिवार के वलों चलाई जाई जा रही इस लैक्चर सीरीज के इस 32वें लैक्चर के अज साडे नाल भारत की बड़ी ही अजीम शख्सियत जुड़न जा रही है जिन्हों दुनिया पद्धर के उत्ते प्रसिद्ध इतिहासकार बायोग्राफर के रूप एक्टिविस्ट के रूप के जाने जाता। दोस्तों साढ़े नाल अज प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी जुड़नगे जिहड़े कि साढ़े अज के मौजू अंडरस्टैंडिंग दी हिस्ट्री ऑफ पंजाब विद राजमोहन गांधी। राजमोहन गांधी जी नाल पंजाब के इतिहास में समझने इस विषय के उत्ते साढ़े नाल वो अपनी जिहड़ी गलबात आ अज के लैक्चर के हवाले दे नाल सांझी करनगे। प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी साढ़े नाल ने, मैं साढ़े कॉलेज के सत्कारयोग प्रिंसीपल डॉक्टर गुरजिंदर सिंह बराड़ जी हुण बेनती करांगा कि वह साढ़े अज के गैसट स्पीकर प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी कॉलेज के ऑनलाइन मंच से उन्होंने जी आया उन्होंने स्वागती शब्द कहन। डॉक्टर गुरजिंदर सिंह बराड़ जी। दशमेश खालसा कॉलेज श्री मुक्तसर साहब के ऑनलाइन विड़े में जुड़े हुए प्यारे स्रोतियो सारे शाम की प्यार भरी सत श्री अकाल। सानू यह दसदे हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि साढ़े नाल अज बहुत ही महान शख्सियत जुड़ी हुई है जो गांधी परिवार के विचों ने, प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी इलिनोइस यूनिवर्सिटी यूएसए दे विच प्रोफेसर ने। साढ़े लिए बड़ी माण की गल है ते सानू खुशी भी महसूस हो रही है कि असी तुहानू उन्हां दे नाल रूबरू करा रहे हैं। प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार ने। मैं उन्हां दा दशमेश खालसा कॉलेज श्री मुक्तसर साहब के प्रधान सरदार वीरेंद्र सिंह जी बराड़, जनरल सकत्र सरदार उपिंद्रपाल सिंह जी संधु, साढ़े कॉलेज के प्रोफेसर साहबान, साढ़े कॉलेज के विद्यार्थियों वालों वेलकम है जी, निघा स्वागत है। ये साढ़े पिछले काफ़ी समय तो असी कॉलेज के विच एक लैक्चर लड़ी शुरू की है जिस तरह कि तुसी भली भांत जाणू हो। पिछले काफ़ी लंबे समय तो लगभग 7.5 महीने हो गए ने ते उहदे तहत ही ये अज का लैक्चर है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੀਨਾਈਸ ਓਬਾਨਾ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਸਟੱਡੀ
ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰ ਪੋਲਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ UNO ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਗਾਂਧੀ ਸਟਿਲ ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਫ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾਜ਼ ਲੈਗਸੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਐਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਬਿਗਨਿੰਗਸ, ਪੰਜਾਬ ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਟੂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਰਿਵੋਲਟਸ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਏ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਏ ਮੈਨ ਹਿਸ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਐਨ ਅੰਪਾਇਰ, ਗਫਾਰ ਖਾਂ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਫ ਦੀ ਪਖਤੂਨਸ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਇੰਡ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਏ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਵੈਂਜ ਏ ਰੀਕੋਨਲੇਸ਼ਨ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਦੀ ਗੁੱਡ ਬੋਟਮੈਨ, ਪਟੇਲ ਏ ਲਾਈਫ, ਏਟ ਲਾਈਫ ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਨਕਾਊਂਟਰ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਡਰਨ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਮ 17th ਸੈਂਚਰੀ ਟੂ ਅਵਰ ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੱਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਏ ਲਾਈਫ ਏ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੰਮਤ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਟੂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣ।
दूसरा जिहड़े दोस्तां दे इस लैक्चर दे प्रति प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी दी किताब दे प्रति जिहड़ा किताब दे रूप दे विच उन्होंने पंजाब दे इतिहास नूं पढ़िया कोई सवाल होणगे उह सानूं कमेंट बॉक्स दे विच सांझे करी जाण। अखीर दे विच असीं सवाल जवाब सैशन दे विच प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी तों उन्हां सवालां दे जवाब आ जिहड़े उह लवांगे। हुण मैं खुशी लै रहा प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी नूं इस साडे कॉलेज दे इस ऑनलाइन मंच दे उत्ते पेश करन दी। सर प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी तुसीं अपने अज दे विषय दे हवाले दे नाल अपने विचार प्रगट करो, आपां अखीर दे विच सवाल जवाब सैशन दे विच तुहाडे नाल मिलांगे। प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी स्क्रीन तुहाडे कोल आ, तुसीं अपने विचार सांझे करो, असीं अखीर ते तुहाडे नाल मिलांगे। बहुत ही धन्यवाद। पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं पंजाबी विच नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोलूँगा, तो ये मेरा अफसोस है कि मैं आप सबसे पंजाबी में बोलने के लिए काबिल नहीं हूँ। लेकिन मुझे बेहद खुशी है, बहुत खुशी है कि मैं आपके बीच में हूँ। श्री मुख्तसर साहब में जो ये हो रही है मीटिंग, उसमें मैं भाग ले रहा हूँ, मुझे बहुत ही इसकी खुशी है। तो मैं आप सबको सत श्री अकाल पहुँचाता हूँ, नमस्कार पहुँचाता हूँ, आदाब पहुँचाता हूँ, गुड इवनिंग कहता हूँ। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं आप सबके बीच में मौजूद हूँ, और प्रिंसिपल साहब ने जो मुझे वेलकम दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और जो प्रेसिडेंट ब्रार साहब और सेक्रेटरी एसोसिएशन के जिन्होंने भी मुझे मेरा स्वागत किया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आपने तो मेरी सूरत से आप पहचान गए हैं कि ये बूढ़ा आदमी आपके सामने इस समय बात कर रहा है, और लखवीर जी ने तो बहुत कुछ कह दिया है मेरे बारे में, मेरी किताबों के बारे में। एक दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। एक जो किताब का इन्होंने जिक्र किया है, ए टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स, ये है एक किताब जो मैंने 2009 के साल में ये पब्लिश हुई थी, टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स। ये एक कंपैरेटिव हिस्ट्री की किताब है जिसमें मैंने जो भारत में इंडिया में 1857 में हुआ था उसका थोड़ा इतिहास लिखा है, और साथ साथ उसी वक्त अमेरिका में जो हो रहा था उसके बारे में भी मैंने लिखा है। उस समय अमेरिका में, आप तो जानते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा, कि अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी 1861 से लेकर 1865 तक, और उसका सबसे बड़ा मुद्दा था स्लेवरी। तो अमेरिका में जो स्लेवरी हो रही थी उसके खिलाफ, और उसके सपोर्ट में, स्लेवरी के फेवर में जो सदर्न स्टेट्स थे जिन्होंने अपने आप को एक कॉन्फेडरेसी में बना के अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था, तो उनका एक रिवोल्ट था अमेरिका की सरकार के खिलाफ। तो उस रिवोल्ट को लिंकन ने और लोगों ने, अमेरिका ने उसका सामना किया। तो मैं ये जानना चाहता था कि 1857 में भारत के लोगों को क्या अमेरिकन स्लेवरी के बारे में कुछ जानकारी थी या नहीं। मैं ये भी जानना चाहता था कि अमेरिका के लोगों को 1857 में भारत में जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसके बारे में क्या जानकारी थी, क्या इब्राहिम लिंकन को उस रिवोल्ट के बारे में जानकारी थी। तो ऐसे कुछ सवाल थे, तो मैंने 1857 की कहानी उसमें लिखी है और अमेरिका के सिविल वॉर की कहानी लिखी है, और उस किताब का नाम है ए टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स। मैं ये बताना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बात सुन रहे हैं वो मेरे बारे में कुछ और जाने। और ये जो दूसरी किताब है जिसका भी जिक्र किया था लखवीर जी ने, रिवेंज एंड रिकन्सिलिएशन, ये एक पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक के इतिहास का, तारीख का, हिस्ट्री का एक मोटे तौर से एक रिव्यू है पुराने ज़माने से आज तक का, यानी कि महाभारत के ज़माने से, बुद्ध और महावीर के ज़माने से आज तक का, और गुरु नानक जी और आज तक का। तो उसका एक कि दो दो ताकतें थीं या दो ख्याल थे इतिहास में, भारत के इतिहास में भी, दुनिया के इतिहास में। एक ख्याल था कि बदले का, और दूसरा ख्याल था कि सुलह का। और तो जो बदले की भावना है और सुलह की भावना है, ये दो ख्याल थे
तो इन दो ख्यालों के बीच में टक्कर हो रही थी शुरू से लेकर आज तक और आगे भी शायद होती जाएगी। तो उस नज़रिए से मैंने भारत के इतिहास को समझने की कोशिश की है। उस किताब का नाम है रिवेंज एंड रेकन्सिलिएशन। और जैसे कि बताया लखवीर जी ने कि हरपाल सिंह पंडू जी ने मेरी पंजाब की किताब का अंग्रेजी से पंजाबी में तर्जुमा किया है, तो ये मैं बहुत आभारी हूँ उनके लिए। लेकिन मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँ, आज तो मैं बात करूँगा अपनी पंजाब की किताब के बारे में, लेकिन मेरी पंजाब की किताब तो मैंने 2009 से 2012 तक उसके लिए काम किया था। काफ़ी अर्सा हो चुका है, उसके बाद मैंने और भी किताबें लिखी हैं। तो ये, और आप तो देख लिया है कि मैं बूढ़ा ही आदमी हूँ, तो मुझे अपनी ही किताब के बारे में जितनी पूरी बारीकी से जानकारी होनी चाहिए शायद इस समय नहीं है। और जिन्होंने हाल ही में मेरी किताब पढ़ी होगी शायद उनको मेरी किताब के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी, ये भी हो सकता है। ये भी आप अपने ख्याल में रखें। और आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा अपने लेक्चर से पहले कि जो लोग सुन रहे हैं मुझे, जो देख रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज के पंजाब की, आज के भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इतिहास की बात कर रहे हैं। और ख़ास करके जब मुग़ल चले गए थे और फिर अंग्रेज़ आए और फिर अंग्रेज़ भी चले गए, तो इस दौरान, तो उस किताब में तो मैंने लिखा है कि औरंगज़ेब से लेकर के माउंट बैटन तक, तो वो किताब है मतलब आज के बारे में नहीं है, कि तारीख के इतिहास के बारे की किताब है। तो मैं अपनी बात छह भाग में आज बांटने वाला हूँ। तो पहला भाग तो शुरुआत के कुछ मेरे ख्याल होंगे, दूसरा भाग है, ख़ासकर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने किताब में पूछा था, उसका मैं जिक्र करूँगा, कि जब मुग़ल कमज़ोर हो गए, औरंगज़ेब मर गया, तो एक किस्म का वैक्यूम आया पूरे भारत में, और वो जो वैक्यूम पंजाब में सिखों ने फील किया। अब लोग तो जानते हैं कि उस समय पूरे पंजाब को हम देखेंगे, क्योंकि मैं तो पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ, आज का जो भारत का पंजाब है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक ज़माने में जो बिल्कुल अनडिवाइडेड पंजाब था, जिसमें आज का पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल है, कुछ समय के लिए कश्मीर भी उसका हिस्सा था, कुछ समय के लिए पेशावर वगैरह भी, कुछ अफगानिस्तान के हिस्से भी उसमें थे, और आज का जो हिमाचल है, आज का जो हरियाणा है, वो सब एक अनडिवाइडेड पंजाब की हिस्ट्री है। तो जब मुग़ल राज कमज़ोर हो गया और एक एक किस्म की का वैक्यूम हो गया, तो उस वैक्यूम को पंजाब के सिखों ने फिल किया, और रंजीत सिंह से पहले भी कई सिख मिसल थे, वो लोग हावी थे, और उन्होंने पंजाब में उनका शासन हुआ, और फिर रंजीत सिंह का शासन हुआ, फिर अंग्रेज आए। तो जो मेरा दूसरा भाग होगा उसमें मैं ये सवाल पूछूंगा कि हालांकि पूरे पंजाब को अगर हम देखते हैं तो वहाँ तो मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, पंजाबी बोलते थे, पंजाबी मुसलमान थे, कुछ वैसे पठान भी थे और किस्म के मुसलमान भी थे, लेकिन ज़्यादा तो पंजाबी मुसलमान थे, और वो मेजॉरिटी में थे। सिख तो बहुत ही कम माइनॉरिटी में थे, लेकिन पंजाब की मेजॉरिटी ने वैक्यूम को फिल क्यों नहीं किया और पंजाब के सिखों ने फिल कैसे किया, उस सवाल पर मैं कुछ मिनटों के लिए बात करूंगा। और जो मेरी बात का तीसरा हिस्सा है वो अंग्रेज सरकार की जो इम्पीरियल पॉलिसी थी, ब्रिटिश एम्पायर की जो पॉलिसी थी वो क्या थी, उस पर मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा। और चौथा जो मेरा भाग होगा आज की बात का, वो ये है कि पार्टीशन की ओर जो हमारी जर्नी हुई, अंत में पार्टीशन हुआ, उस जर्नी में, उस रास्ते में कुछ चीज़ें हैं हुई थी जो हम भूल गए हैं, वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसी बातें जो हम भूल गए हैं, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। पांचवा मेरा भाग होगा कि पार्टीशन क्या था और क्या नहीं था, हुआ ज़रूर लेकिन हुआ क्या और किस किस्म का पार्टीशन हुआ, उसकी बात करूँगा। और अंत में छठा जो मेरा भाग होगा उसमें मैं कुछ बात करूँगा नेशनहुड, नेशनलिज्म, एथनो नेशनलिज्म, यानी कि एक राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद, और फिर एक किस्म का उग्र राष्ट्रवाद
या एक ख़ास किस्म का राष्ट्रवाद जिसमें कुछ ही ख़ास लोगों की को ज़्यादा ताकत मिले, उस किस्म का राष्ट्रवाद, उसकी मैं बात करूँगा। अच्छा, तो अब इंट्रोडक्शन की मेरी बात। तो जैसा मैंने कहा कि मैं श्री मुख्तसर साहब तो पहले नहीं आ चुका हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इतिहास में बहुत बड़ा उसकी जगह है, और गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत ज़बरदस्त संघर्ष वहाँ भी हुआ था, ये भी मैं जानता हूँ। अच्छा, ये जो मेरी किताब अनडिवाइडेड पंजाब की है, तो मैंने आपको कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मेरे से और भी कई ज़्यादा उम्र के लोग श्री मुख्तसर साहब में इस समय होंगे, पूरे पंजाब में होंगे, दुनिया भर में मेरे से भी उम्र से बड़े कई लोग हैं, और जो भारत और पाकिस्तान में 80 के हैं, 90 के हैं, अभी तक हैं, उन्हें तो याद है कि अनडिवाइडेड पंजाब क्या था। उन्हें तो याद है कि एक ज़माने में लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, अम्बाला, करनाल, शिमला, ये सब एक ही पंजाब में थे, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर वगैरह, फिरोजपुर के अलावा ये सब शहरें एक जगह थी। और आप जहाँ इस समय हैं श्री मुख्तसर साहब में, वहाँ से लाहौर तो आपसे ज़्यादा नज़दीक है, लुधियाना ज़्यादा दूर है, और कसूर तो बहुत ही नज़दीक है। और जो उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में कहलाए जाते थे आजकल के पाकिस्तानी पंजाब में जो इलाके हैं, आज का जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, उस ज़माने में मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता था, और जो आजकल फैज़लाबाद है, उस ज़माने में लायलपुर कहलाया जाता था। और आप लोग तो शायद जानते होंगे कि मॉन्टगोमरी में, लायलपुर में, और भी कई जगह जो इस समय पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ भी सिख पॉपुलेशन बहुत ही अच्छा, ताज़ा, ख़ास था। और जो मैंने अपनी पंजाब की किताब में जब रिसर्च किया, तो मैंने मुझे ये जानकारी मिली कि वेस्ट पंजाब में, इस पाकिस्तानी पंजाब में, बहुत गाँवों में भी, दूर दूर जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन कई गांवों में खालसा स्कूल थे, और सब बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाई मिल रही थी। वो एक बहुत ही गजब की बात थी। और आप सब जानते ही हैं कि लाहौर और पिंडी में तो हिंदू और सिख पॉपुलेशन काफ़ी था, और पाकिस्तानी जो आज में पंजाब है, वहाँ काफ़ी हिंदू और सिख थे। और जो इस समय हमारा पंजाब है, या हमारा हिमाचल, हरियाणा है, हमारा हिमाचल है, उस इलाके में बहुत मुस्लिम्स भी थे। तो जो नॉन मुस्लिम परसेंटेज आज के पाकिस्तानी पंजाब में था, काफ़ी था, उससे भी ज़्यादा मुस्लिम परसेंटेज आज के इंडियन पंजाब में या इंडियन हरियाणा में था, ये भी याद रखने की बात है। और वैसे ये भी पूछा जा सकता है कि हम क्यों हर वक्त हिंदू या सिख या मुसलमान की बात करते हैं, हम क्यों नहीं कुछ और बातें करेंगे, या तो जात की बात कर सकते हैं, या ज़बान की बात, भाषा की बात कर सकते हैं, जेंडर की बात कर सकते हैं, प्रोफेशन की बात कर सकते हैं, सिर्फ हम धर्म की बात क्यों करें। ये सवाल अच्छा है, सही भी है। अगर हम सिर्फ कहें कि ये सिख है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, उससे हमें कुछ तो जानकारी मिलती है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिलती है कि सबसे बड़ी चीज़ इंसान में क्या है, इंसान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम सिर्फ सिख, हिंदू, मुसलमान हैं, या कुछ और भी हैं, हम हस्बैंड हैं, फादर हैं, डॉटर हैं, डॉटर इन लॉ हैं, सास हैं, बहू हैं, मदर इन लॉ हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं। खैर, ये इस पर भी थोड़ा हमें कभी कभी सोचना चाहिए। अच्छा, अब मैं उस पर आता हूँ जो मेरा दूसरा भाग है, कि जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया औरंगज़ेब के मरने के बाद, तो पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी ताकत में क्यों नहीं आई, और सिख लोग, सिख मिसल पहले और फिर बाद में रंजीत सिंह ताकत में क्यों आए, उसके पीछे क्या क्या था। तो उस एक तो बात हमें ये याद रखनी चाहिए, अब मैं बात कर रहा हूँ जो 18वीं सदी थी, उसका जो पहला आधा हिस्सा था, फर्स्ट हाफ, 1730 से लेकर के 1770 तक समझिए। 1770 में सिख मिसलों की सरकार जगह जगह पंजाब में आ गई थी, और फिर 1799 के बाद रंजीत सिंह की सरकार आई थी। तो 1730 से लेकर 1770 तक पंजाब में, पूरे पंजाब में, मतलब सिर्फ हमारे पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, अनडिवाइडेड पंजाब में, इस समय जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ
तो वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं था, क्योंकि ये नादिर शाह और अब्दाली के जो हमले हुए थे पूरे पंजाब में, दिल्ली तक आए थे लेकिन पंजाब में बहुत उन्होंने, तो बहुत कोई अमन चैन लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं था। और उससे पहले ज़रूर अकबर के ज़माने में ना, सब लोगों को अकबर का रूशाद का राज पसंद नहीं आया हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी तो आई थी और पूरे पंजाब में भी आई थी, तो काफ़ी तरक्की हुई थी। लेकिन औरंगज़ेब के मरने के बाद, ख़ास करके जब ये 1730 से लेकिन 1770 तक बहुत ही एनार्की हुई थी, सब जगह लोग लड़ रहे थे, तो फिर क्या हुआ, तो बहुत बहुत ही बुरा हाल था, हर एक गांव गांव में बुरा हाल था। तो फिर जो सिख मिसल थे, अलग अलग सिख मिसल थे जगह जगह, तो उन्होंने एक किस्म का कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और उससे कुछ लोगों को सुकून मिली, और जो गरीब मुसलमान भी थे, गरीब किसान और जो बहुत ही गरीब थे या उनका नौकरी का काम था, मेहनत कश लोग मुसलमान, वो भी बहुत खुश थे कि सिखों ने अब्दाली के ख़िलाफ़, नादिर शाह के ख़िलाफ़ संघर्ष किया था, उससे गरीब मुसलमान को भी बहुत चैन मिली थी। तो ये भी एक कि जो सिख मिसल के जो नेता थे उनके संघर्ष से सब पंजाबियों को कुछ सुकून और चैन मिली। पंजाब में भी जगह जगह कुछ मुसलमान इलाके थे जहाँ मुसलमान राजा थे, नवाब थे, बहावलपुर था, झंग था, मुल्तान था, कसूर था, ऐसे और भी इलाके थे जहाँ मुसलमान नवाब थे, लेकिन वो लोग उन्होंने संघर्ष नहीं किया। और जो अफगान से लोग, ये अब्दाली और नादिर शाह वगैरह के जो अटैक्स हुए थे, तो उनके खिलाफ जो संघर्ष किया, जो किसान थे उनको बचाने के लिए, तो वो संघर्ष तो सिख मिसल ने किया, तो उस वजह से भी उनकी ताकत बढ़ी और मुसलमान जो मेजॉरिटी में थे उन्होंने भी ये सिख मिसल का आदर किया। तो और बंदा बहादुर साहब के समय से ये जो सिख लोग, सिख मिसल थे, सिख नेता थे, वो ये उनके दिल में ये ख्याल था कि लाहौर पर हमारी ताकत आनी चाहिए। जैसे मुग़लों की ताकत लाहौर तक थी और लाहौर से मुग़लों ने भी शासन किया, तो ये जो सिख मिसल थे बंदा साहब के बाद, कि हम लाहौर पे हमारा कब्ज़ा होगा और लाहौर से हम पूरे इलाके पे अपना हम शासन चलाएंगे, तो ऐसा ख्याल जो ये मुसलमान नवाब थे, चाहे बहावलपुर के हों या झंग के हों या कसूर के, तो मुल्तान के, उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि लाहौर पर भी हमें, तो लाहौर से पूरे पंजाब को एक शासन देना, ये जो उद्देश्य था, ये जो गोल था, ये सिख मिसलों में था, ये मुसलमान नवाबों में नहीं था। और फिर और एक और बात थी कि जो सिख मिसल थे और जो सिख जनता थी, सिख किसान थे, तो उन्होंने उनके दिल में जो एक गुरु का जो संदेश था, वो भी बहुत एक बड़ी बात उनके दिल में थी। अब और धर्म के प्रति बहुत ही उनका लगाव था, मुसलमानों का भी धर्म के प्रति बहुत लगाव था, लेकिन एक फ़र्क ये था कि जो गुरु का संदेश था
वो किसानों तक, महिलाओं तक पंजाबी जबान में पहुंचाया गया, और जो कुरान का संदेश था वो अरबी में पढ़ाया जाता था। तो जो आम मुसलमान किसान था या उसके फैमिली थी, वो तो अरबी में, वो उनके दिल तक तो वो बात नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन जो गुरु का संदेश था वो पंजाबी जबान में लोगों के दिल तक पहुंच गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कि सिख मिसलों को ये मौका मिला पूरे पंजाब पर शासन करने का। और ये देखिए, मैंने आपसे शायद नहीं कहा, लेकिन जैसे कि ये जो जात होती हैं, बिरादरियां होती हैं, तो सब सब में हैं, मुसलमानों में भी हैं, किस्म किस्म के उनके कुछ अवान, कुछ गखर, और 20-30 किस्म की बिरादरियां वहां थी। लेकिन वो एक साथ नहीं आ पाई, लेकिन जो सिखों की बिरादरियां थी वो एक साथ आ गई, और सब सिखों ने, चाहे कहीं के भी थे पंजाब के में, पूरे पंजाब में बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन सारे पंजाब के सिखों में ये ख्याल आया कि हम एक हैं। और पंजाब के मुसलमानों में ये नहीं ख्याल आया, हम आरएन हैं, हम अवान हैं, हम जाट हैं, हम राजपूत हैं, इस किस्म के ख्याल मुसलमानों में ज़्यादा थे, सिखों में इस किस्म के ख्याल कम थे। और एक और ये भी था कि जो सिख समाज था गांवों में, सिख रूरल सोसाइटी जो थी, उसमें एक किस्म की बराबरी थी। अब ये कुछ हद तक ये जो जाट कल्चर है, उस कल्चर में भी एक किस्म की बराबरी थी। तो जो जाट कल्चर की जो बराबरी होती है समाज में, कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये नहीं है, हम सब बराबर हैं, हम बिल्कुल आज़ादी से एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये जो बराबरी पूरे सिख समाज में आई, वो भी एक कारण था जिससे कि सिख मिसलों को फायदा मिला। और फिर ये हुआ कि एक प्रो पेजेंट किसानों के पक्ष में और पंजाबी कल्चर के लिए एक किस्म की पंजाबी नेशनलिज्म सिख मिसलों ने पैदा की और उसे मजबूत किया। तो एक आइडियोलॉजी एक किस्म की आ गई थी, तो आइडियोलॉजी आ गई थी और बराबरी भी आ गई थी, तो इस सब से एक ये जो मौका मिला, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जब औरंगजेब चला गया तो पंजाब एक किस्म का खालीपन आया, तो उस खालीपन को सिख मिसलों ने या फिर रणजीत सिंह ने फिल किया, पंजाब की मुस्लिम मेजॉरिटी वो फिल उसे नहीं कर पा। तो अब मैं तीसरी बात पर आता हूँ कि जब अंग्रेज आए थे, वो तो आप सब जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि सिख मिसल आए, फिर अरिजीत सिंह आया, फिर और सिखों का रूल चला कुछ समय के लिए, फिर अंग्रेज आए, और एक लड़ाई तो ऐसी हुई जिसमें अंग्रेज हारने वाले थे, तकरीबन हार भी गए थे लेकिन नहीं हारे, और उस पर मैं इस समय नहीं जाऊंगा। फिर अंग्रेजों की सरकार आई और अंग्रेजों ने 100 साल के लिए अपनी सरकार चलाई पूरे पंजाब में, तो उस पर ज़्यादा मैं समय नहीं लगाऊंगा, लेकिन उनकी इम्पीरियल पॉलिसी क्या थी वो मैं बताना चाहता हूँ। कि उस अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि क्या उनकी इम्पीरियल पॉलिसी थी, कि पंजाब में मुसलमान थे, पंजाब में हिंदू थे, पंजाब में सिख थे, तो और उनको ज़रूर, उनके पंजाब अंग्रेज़ों के पास तोपें थीं, उनके पास बंदूकें थीं, उन्होंने ज़रूर कब्ज़ा तो कर लिया था, लेकिन वो जनता को भी जीतना चाहते थे, तो अपने रूल को पॉपुलर बनाने के लिए उनकी पॉलिसी क्या थी वो समझना चाहिए। तो 1857 के आवाज़ ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग जानते हैं कि 1857 का जो आंदोलन हुआ था, उसके उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज सरकार
क्रिश्चियनिटी फैला रही है तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो उसके खिलाफ जो जो सिपाही भी थे अंग्रेज की सरकार की आर्मी की फौज में, उन्होंने भी रिबेलियन किया। तो एक ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी ये थी कि हम इस समय साफ कर देंगे कि क्रिश्चियनिटी हम नहीं फैलाने वाले हैं, अंग्रेज रूल होगा, हमारी सरकार एम्पायर की होगी, लेकिन क्रिश्चियनिटी हम नहीं फैलाएंगे। एक तो उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली थी, और दूसरी बात उन्होंने ये स्वीकार कर ली थी कि जो चीफ हैं, जो बड़े ज़मींदार हैं, जो जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों, हिंदू हों, लेकिन जो बड़े लोग हैं, बड़ी जगह पे हैं, उनके पास ज़मीन है या इन्फ्लुएंस है या कुछ मस्जिद है या कोई तो इन लोगों का हम आदर करेंगे, बड़े लोगों का हम आदर करेंगे, ये अंग्रेज सरकार ने फैसला कर लिया था। और तीसरा ये कि हम बड़े लोगों का तो आदर करेंगे, लेकिन जो हम हमारा जो शासन होगा पंजाब के ऊपर और भारत के और इलाकों के ऊपर जो हमारा शासन होगा, वो हम एक सुपीरियर रेस के नाते करेंगे कि अंग्रेज जो हैं वो ऊपर हैं और हिंदुस्तानी नीचे हैं। ये बहुत ही एक उनका एक ज़रूरी पॉलिसी थी कि हम रूल करेंगे और जो इंडियंस हैं, पंजाबी हैं, उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि अंग्रेज़ ऊपर हैं और हिंदुस्तानी सेकंड क्लास हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट असूल था इंपीरियल पॉलिसी का, वी विल रूल इंडिया एज ए सुपीरियर रेस, नॉट एज एन इक्वल रेस। फिर ये था कि क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ आए, इसलिए हम कुछ मदद ज़रूर करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम रेलवे लाइन बनाएंगे, हम पोस्ट ऑफिस बनाएंगे, टेलीग्राफ ऑफिस बनाएंगे, कैनाल्स बनाएंगे, बहुत बड़ा हिस्सा था उनकी पॉलिसी का, स्कूल बनाएंगे, हस्पताल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, लॉ कोर्ट्स बनाएंगे। ये था सुपीरियर रेस, लेकिन हम कुछ मदद ज़रूर करेंगे पब्लिक की। फिर एक और असूल था उनकी इंपीरियल पॉलिसी का कि ख़ास करके हम पेजेंट्स से अपना रिश्ता बनाएंगे। अंग्रेज सरकार का जो किसान है उसके साथ एक ख़ास रिश्ता होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट असूल था उनकी पॉलिसी का कि हम किसान के साथ अपना रिश्ता बनाए। और उसका एक और ये भी था कि हम अपनी जो फौज है, पूरे भारत में हमारी फौज जाएगी, अगर ज़रूरत पड़े तो दुनिया में भी इंडिया के नाम पर हमारी पंजाब की फौज जाएगी, और ये पंजाब की फौज भी हम पंजाब के गांवों से इकट्ठा करेंगे, मुसलमान, सिख, हिंदू, जाट, वो हमारी फौज में आएंगे और फिर पूरे भारत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी पंजाब के गांवों से इकट्ठा करके हम पूरे इंडिया में भेजेंगे। तो जो सोल्जर होगा गांव में वो हमारे एम्पायर का एजेंट होगा। तो गांव का जो सोल्जर किसान जो सोल्जर बन गया, कई कई लोग तो किसान का काम करते, खेत का काम करते गए, लेकिन कुछ लोग फौज में भी गए, तो किसान, तो फौजी जो है वो एम्पायर का गांव में एजेंट होगा। ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी। अच्छा, एक अब दूसरे बात पे मैं जाने वाला हूँ कि जो पार्टीशन की तरफ जब हवा चली और उस जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हमें समझनी चाहिए, जो हम कई दफ़े भूल जाते हैं, और उस पर अब मैं आऊँगा। एक ये था, ये तो मैंने दोहराया है, सब जानते ही हैं कि उस ज़माने में पूरे पंजाब को अगर हम देखेंगे, अनडिवाइडेड पंजाब को, तो उस समय मेजॉरिटी मुस्लिम थी, करीब 55% मुसलमान थे पूरे, अगर पूरे पंजाब को हम देखें, और हिंदू थे, सिख भी थे। लेकिन एक
कमज़ोरी थी जो हम इस समय उसका हम ज़्यादा याद नहीं करते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, कि स्कूल और कॉलेज तो उन्होंने शुरू किए लेकिन हिंदू ख़ास करके काफ़ी हद तक सिख स्कूल और कॉलेज में गए लेकिन मुसलमान बहुत कम गए और मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी स्कूलों में और कॉलेज में। और 1911-12 की मैं बात कर रहा हूँ, जब सेंसस हुआ था 1911-12 का, तो उस समय मुसलमान 53-54% उनकी पॉपुलेशन में परसेंटेज थी लेकिन पंजाब के कॉलेजों में, उस समय इतने ज़्यादा कॉलेज नहीं थे लेकिन कई थे, लेकिन पंजाब के कॉलेजों में सिर्फ 24% मुसलमान थे। मतलब मैं लाहौर पर रावलपिंडी पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ, पूरे पंजाब में सिर्फ कॉलेज में 24% मुसलमान थे और स्कूलों में भी सिर्फ 24% मुसलमान थे। हिंदू ज़्यादा थे और सिख भी कुछ हद तक अच्छे थे लेकिन मुसलमान बहुत कम थे। तो ये हुआ, ये एक हालत थी। तो इस के खिलाफ काफ़ी पंजाब के में जो मुसलमान थे उनमें काफ़ी इस बारे में कुछ आंदोलन हुए थे और एक कई लोगों ने इस पर काम भी किया था। और एक आप लोग तो जानते हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा है कि एक यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में आई और ये यूनियनिस्ट पार्टी जो आई इसमें बड़े ज़मींदार थे और इसमें सिख थे, हिंदू थे, मुसलमान थे और ये प्रो ब्रिटिश पार्टी एक मानी जाती थी, प्रो ब्रिटिश थी भी थी और देखा जाए तो एक फ्यूडल पार्टी भी थी, बड़े ज़मींदारों की भी पार्टी थी। लेकिन इसमें ख़ास बात ये थी कि ये थी प्रो ब्रिटिश पार्टी और ये थी प्रो फ्यूडल पार्टी लेकिन ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें मुसलमान, सिख और हिंदू साथ थे। मुसलमान, सिख और हिंदू पूरे पंजाब के एक साथ इस पार्टी में थे। और एक आदमी की मैं बात करूंगा जिसके बारे में जिन्होंने पंजाब का इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं, फजली हुसैन। उनकी जन्म हुआ 1877 में और 1936 तक वो जिंदा रहे और वो ये सियालकोट के थे और बटाला के भी थे, फिर बाद में लाहौर में बस गए, लंदन में पढ़ाई की और कैम्ब्रिज में भी गए और वो बैरिस्टर बन गए। वो एक भट्टी राजपूत बिरादरी के थे मुसलमान। तो ये जो थे कुछ हद तक कुछ समय के लिए ये कांग्रेस में और आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने हिंदुस्तान पूरी तरह से भाग लिया लेकिन फिर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और इन्होंने ये जो छोटू राम थे, छोटू राम रोहतक के जो बड़े किसान नेता थे, ज़मींदार भी थे और लोगों ने, फजली हुसैन, छोटू राम और लोगों ने ये यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। कांग्रेस फजली हुसैन को अपने साथ नहीं रख पाई और फजली हुसैन निकल गए और फजली हुसैन ने फिर आज़ादी की लड़ाई में मदद भी नहीं दी। और तो ये एक फजली हुसैन को क्यों, नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था, फजली हुसैन को अपने साथ क्यों नहीं रख पाए, ये एक सवाल पूछना चाहिए अगर हम आगे के लिए सोचना चाहते हैं। क्योंकि अगर फजली हुसैन रह जाती कांग्रेस के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ, और किसी तरह से उनके साथ समझौता हो जाता और अगर किसी तरह से, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन किसी तरह से अगर कांग्रेस का ये यूनियनिस्ट पार्टी के साथ किस किस्म का समझौता हो सकता था तो हम सोच सकते हैं शायद पार्टीशन होता भी नहीं, शायद पूरा पंजाब एक ही रह जाता। और तो ये एक दुख की बात थी कि फजली हुसैन को और यूनियनिस्ट पार्टी को के साथ एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग, एक किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ कांग्रेस नहीं कर पाई, नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं कर पाई। ये शायद देखा जाए तो एक किस्म की कमज़ोरी हम मान सकते हैं। और ये तो हम जानते हैं कि एक बात शायद मैं कहना भूल गया कि जो मैंने इंपीरियल पॉलिसी थी, तो उस इंपीरियल पॉलिसी का एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि हम
अपना रिश्ता तो बनाएंगे सिखों के साथ, अपना रिश्ता बनाएंगे मुसलमानों के साथ, अपना रिश्ता बनाएंगे हिंदू के साथ, लेकिन हिंदू और मुसलमान और सिख एक दूसरे के साथ इनका रिश्ता तो नहीं होना चाहिए। ये भी इंपीरियल पॉलिसी बहुत ज़रूरी थी डिवाइड एंड रूल की, कि हर एक कौम का रिश्ता अंग्रेज सरकार के साथ होगा, एक कौम का अपने पड़ोसी कौम के साथ रिश्ता न हो। ये एक बहुत ज़रूरी पॉलिसी थी अंग्रेज सरकार की तो, और उन्होंने अपनी पॉलिसी चलाई अच्छी तरह से, और फजली हुसैन उनकी तरफ आ गए और आज़ादी की लड़ाई से वो हट गए। और तो ये और लोग जानते भी हैं कि 1926 में फिर फजली हुसैन को तो सर फजली हुसैन बना दिया गया, छोटे राम जी को भी सर बनाया गया था। तो अंग्रेज़ सरकार तो जानती थी कि ऐसे लोगों को अपने साथ लाना चाहिए, लेकिन जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रख पाए। लोग कह सकते हैं कि देखिए फ्यूडल लीडर्स को कैसे हम ले सकते हैं, लेकिन वो सवाल अच्छा है। फिर भी ये मान ये भी सोचा जाएगा कि अगर साथ आ सकते थे किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, किसी कॉम्प्रोमाइज के साथ, तो 1936 में फजली हुसैन की डेथ हुई। और बाद में तो आप जिन्होंने इतिहास पढ़ा वो जानते हैं कि बाद में 1946 में जो यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे खिजर हयात खान, उनके साथ सिखों का कांग्रेस का एक समझौता हुआ और वो सरकार नहीं चली। लेकिन ये यूनियनिस्ट के साथ जो समझौता 1946-47 में हुआ, अगर कुछ पहले हो जाता तो शायद कुछ इतिहास बदल सकता था। और ठीक है, तो वो अब हम उसको छोड़ देते हैं। और एक एक दूसरा जो चीज़ जो हुई जो हम इस समय शायद भूल रहे हैं, ये तो कुछ पार्टीशन के बाद की बात है, ये जो पार्टीशन की बात है, पार्टीशन के वक्त की बात है। फजली हुसैन की बात और यूनियनिस्ट पार्टी की बात तो पार्टीशन को रोकने की बात थी, लेकिन खैर पार्टीशन हो गया और उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं गहराई में जाऊँगा इस समय। लेकिन एक जो उस समय में हुई बहुत बड़ी चीज़ हुई जिसके बारे में लोग भूल रहे हैं या ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो ये है कि ज़रूर जहरीली हवा आई, कितने लोग मारे गए वो सब हम जानते हैं, जो बहुत ही खून खराबा हुआ, बहुत चोट दुख जहरीली हवा से हुआ और कई लोग मारे गए। लेकिन ये जो जहरीली हवा थी, जो पंजाबी मेजॉरिटी थी, सिख मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी, उन्होंने इस हवा को जाने दिया, वो हवा में फंसे नहीं। उन्होंने चुपचाप चुपचाप और बहुत बहादुरी के साथ जो कमज़ोर लोग थे जिन पर हमला हो रहा था, मेजॉरिटी अगर मुसलमान एरिया हो तो सिखों पर, हिंदुओं पर जो हमला हो रहा था, तो कई मुसलमानों ने खामोशी से चुपचाप लोगों को बचाया और पहुंचाया ट्रेन से या बस से या किसी पुलिस की मदद से या आर्मी की मदद से दूसरी तरफ पहुंचा दिया। उसी तरह ईस्ट पंजाब में कई सिखों ने, कई हिंदुओं ने जो मुसलमानों पर हमला हो रहा था उनको बचाया और उनको रास्ता दिखाया, बचा दिया, दूसरी तरफ पहुंचा दिया। तो ये जो हुआ था, कई पंजाब के लोगों ने उस जहरीली हवा के उसमें वो फंस गए थे और कुछ बदमाश लोग भी थे, उन्होंने भी बदमाशी दिखाई, लेकिन कई लोगों ने बहुत पाप किए, बहुत बड़े पाप किए, लोगों को मारा, मुसलमानों ने मारा, सिखों ने मारा, हिंदुओं ने मारा। लेकिन जिन पंजाबियों ने एक दूसरे को मारा उनकी संख्या तो इतनी थी, लेकिन जिन पंजाबियों ने औरों को बचाया उनकी संख्या बहुत ऊंची, ज़्यादा ऊंची थी। तो जिन पंजाबियों, अब हम जानते हैं ना कि कितने लाख कितने करोड़ शरणार्थी इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, कैसे पहुँच पाए, कैसे निकले, वो इसलिए निकल पाए कि उनके जो साथ जो थे
हिंदू या सिख्स जो थे उनके साथ, जो मुसलमान थे मेजॉरिटी के जो लोग थे उनके साथ, उन्होंने चुपचाप और बहुत ही होशियारी के साथ बहुत ज़्यादा लोगों को बचाया। तो जिन पंजाबियों ने एक दूसरे को बचाया उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, ये भी हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपना पांचवा जो मेरा हिस्सा है कि पार्टीशन क्या था और क्या नहीं था। तो ये तो सही बात है, सच्चाई की बात है कि मुस्लिम लीग ने जो पूरे इंडिया भर में प्रोपेगेंडा किया कि ये हिंदू और मुसलमान दो नेशन हैं, तो ये दो नेशन साथ साथ नहीं रह सकते हैं, पार्टीशन होना चाहिए, तो कहा था। लेकिन जो पार्टीशन हुआ वो ये नहीं था 47 में जिसे लोगों ने मान लिया, नेताओं ने, हिंदू नेता ने, सिख नेता ने, मुसलमान नेताओं ने, खुले खुश दिल से नहीं माना होगा, नहीं माना था, बहुत दुख के साथ माना था, लेकिन मान लिया। और ये एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली और ब्रिटिश के बीच, वो ये था कि डिवीजन होगा कि जो लोग जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हैं वो इलाका अलग हो जाएगा और बाकी रहेगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि एक हम मुस्लिम देश बनाएंगे और एक हम हिंदू देश बनाएंगे, ऐसा तो एग्रीमेंट नहीं हुआ था। और 1947 में जो पार्टीशन हुआ था वो एक मुस्लिम इंडिया और हिंदू इंडिया, उसके बीच में पार्टीशन नहीं हुआ था। मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाके थे वो अलग होकर के एक देश बना सकते हैं, ये एक ये हुआ। पार्टीशन वॉज नॉट ए डिविजन इंटू मुस्लिम इंडिया एंड हिंदू इंडिया, इट वॉज ए डिविजन इंटू मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफ इंडिया एंड हिंदू मेजॉरिटी इंडिया। और ये लोग तो सब जानते हैं कि हालांकि काफ़ी जल्दी ही पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान को लोगों ने एक मुस्लिम नेशन बनाने की कोशिश की और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी बना दिया कि इस्लामिक नेशन होगा, लेकिन इंडिया में 60-70 साल तक लोगों ने यह फैसला किया कि हमें दुख है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया तो अलग हो गए हैं लेकिन इंडिया में भी काफ़ी मुसलमान हैं, बहुत मुसलमान हैं, और इंडिया सिर्फ मुसलमानों का देश नहीं होगा, इंडिया सबका देश होगा, इंडिया सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं होगा, सबका देश होगा, हिंदुओं का, सिखों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, जो किसी धर्म में नहीं मानते उनका, बौद्ध का, जैन का, सबका होगा। तो ये जो पार्टीशन हुआ था इट वॉज नॉट ए पार्टीशन इंटू मुस्लिम इंडिया हिंदू इंडिया, इट वॉज ए पार्टीशन वेयर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वो अलग हो गए थे और बाकी बाकी के इंडिया में एक सेक्युलर प्लूरलिस्ट इंडिया स्थापित हुआ, और ये वो ये पार्टीशन था। एक और सवाल आता है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि इतनी मारपीट हुई, इतने लोग मारे गए, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन क्यों नहीं हुआ? फिर तो तकरीबन सारे सिख और हिंदू जो वेस्ट पंजाब में थे वो इधर आ गए, सारे मुसलमान जो इधर थे वो वहाँ चले गए। अगर लोगों को वहीं जाना था या यहीं आना था तो पहले पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन क्यों नहीं हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन इसलिए नहीं हो पाया कि दोनों तरफ के लोगों में ये सहमति नहीं थी कि बाउंड्री कहाँ हो। ट्रांसफ़र तो सब तब हो सकता है ना जब हमें पता चले, हम एग्रीमेंट हो कि ये बाउंड्री है। जब तक बाउंड्री नहीं बनती है तो ट्रांसफ़र का सवाल ही नहीं आता है। तो ये अफसोस की बात है कि हमारे देश के जो उस समय नेता थे पंजाब के या ऑल इंडिया के, वो ये इस एग्रीमेंट पे नहीं आ सके कि अगर पार्टीशन होना ही है तो अगर हम एक लाइन बना दें और फिर पंजाब के इस हिस्से के वहाँ चले जाएं, उस हिस्से के यहाँ आ जाएं, और बंगाल में भी उसी तरह का, लेकिन न पंजाब में न बंगाल में नेताओं ने यह फैसला किया, एग्रीमेंट नहीं कर पाए
कि लाइन कहाँ होनी चाहिए। तो ये एक बहुत गहरा सवाल है कि ऐसा एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पाया। अगर पार्टीशन होना ही था तो पार्टीशन की लाइन का एग्रीमेंट हिंदुस्तानियों के बीच में क्यों नहीं हुआ, पंजाबियों के बीच में क्यों नहीं हुआ, मुसलमान नेता, सिख नेता, हिंदू नेता क्यों इस नतीजे पर नहीं सके आ सके कि यहाँ तक मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, यहाँ तक अलग होगा। अच्छा, वो तो सब जानते हैं कि फिर रेडक्लिफ लाइन बनी और एक अंग्रेज आया रेडक्लिफ, और लोग मजाक भी करते हैं कि ये पहले कभी इंडिया नहीं आया था, वो आ गया इंडिया, जज था वो आ गया इंडिया, उसने पंजाब में एक लाइन बना दी, बंगाल में एक लाइन बना दी, और लोग मजाक, देखो कैसा एम्पायर है, एक आदमी को भेजता है एक और बहुत दूसरे दूसरे देश में जाके वो लाइन बना देता है। ये जो आलोचना है सही भी है, लेकिन उसके पीछे एक और चीज़ है जिसे हमें सोचनी चाहिए। रेडक्लिफ कमीशन था, वो अकेला नहीं था, पंजाब में एक रेडक्लिफ कमीशन था, बंगाल में एक रेडक्लिफ कमीशन था, तो पंजाब के रेडक्लिफ कमीशन में चार और जज थे, एक सिख जज था, एक हिंदू जज था, दो मुसलमान जज थे। बंगाल के रेडक्लिफ कमीशन में चार और इंडियन थे, दो हिंदू दो मुसलमान। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तानी जज जो थे वो एग्रीमेंट नहीं कर पाए, जो सिख और हिंदू थे उन्होंने कहा कि लाइन ये होनी चाहिए, जो मुसलमान थे उन्होंने कहा ये लाइन होनी दूसरी होनी चाहिए, उनके बीच में बहुत ज़बरदस्त मतभेद था, तो रेडक्लिफ को अपनी लाइन बनानी पड़ी। तो रेडक्लिफ की आलोचना सही है, उस पर मजाक करना भी सही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हम भारतीय लोग थे, चाहे हम हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, क्यों हम एग्रीमेंट नहीं कर पाए, ये एक सवाल है जिसे याद करना चाहिए। तो अब आखिरी जो बात है वो ये है, नेशनहुड, नेशनलिज्म और एथनो नेशनलिज्म। तो पंजाब के इतिहास से हमारे कुछ ख्याल आते हैं इसके बारे में। नेशनहुड एक चीज़ है, नेशनलिज्म दूसरी चीज़ है। नेशनहुड यानी कि देश प्रेम या देश से लगाव, देश से लगाव, हम एक ही देश के हैं, हम एक दूसरे के हैं, हम आपके हैं, आप मेरे हैं, ये जो भावना है कि हम एक दूसरे के हैं, उसे एक देश में अगर ऐसी भावना आए तो उसे हम नेशनहुड कह सकते हैं अंग्रेजी में, नेशनहुड, एक नेशन होने की भावना, एक दूसरे के होने की भावना। लेकिन नेशनलिज्म जो है, जो राष्ट्रवाद है, वो इससे मिलता है लेकिन कुछ अलग है, क्योंकि उसमें एक किस्म की ज़बरदस्ती है, उसमें एक कि हम नेशनलिस्ट हैं तो उसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को देखते हैं अपने ही देश में, तुम नेशनलिस्ट हो या नहीं हो, तुम नेशनलिस्ट हो या नहीं हो, तो दूसरे के, हम अपने ही देश में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो नेशनहुड जो चीज़ है जो देश को बनाती है, जोड़ती है, लेकिन कभी कभी नेशनलिज्म जो एक ऐसी चीज़ है, वो एक जो हम देखते हैं कि आप नेशनलिस्ट हैं नहीं हैं, वो ज़बरदस्ती भी करते हैं कि ये नारा चिल्लाओ नहीं तो आप नेशनलिस्ट नहीं हैं। तो नेशनलिज्म जो है वो कभी कभी देश में एक डिविजन ला सकती है और एकता को कमज़ोर करती है। और फिर तीसरी चीज़ है एथनो नेशनलिज्म। दुनिया में एक नई, आज पूरी दुनिया में ये भावना है कि देश सबका नहीं है। अमेरिका में लोग कहते हैं कि नहीं, अमेरिका सबका तो नहीं है, अमेरिका तो वाइट का है, गोरों का है, गोरों का है अमेरिका। एथनो नेशनलिज्म तो कुछ लोग हिंदुस्तान में भी कह सकते हैं, भारत में, कि भारत सबका नहीं है, हिंदुओं का है, कहीं और कहा जा सकता है ये सबका देश नहीं है, सुन्नी का है, सबका देश नहीं है, शिया का है, तो इसे एथनो नेशनलिज्म कहते हैं। तो हम अब सीख सकते हैं अपने इतिहास से कि असली बिलोंगिंग, कि हम एक दूसरे के हैं या नहीं हैं, तो ये जो ख्याल है ये पंजाब के इतिहास से भी आता है और आज के हालात से भी ये ख्याल हम समझ सकते हैं। तो बस अब मेरी बात पूरी हो गई, धन्यवाद, शुक्रिया।
बिल्कुल सर, आपने 6 भागों में बांट के बात की पंजाब की हिस्ट्री के बारे में किताब के हवाले से, बड़ी खूबसूरत। इतने टाइम में इतनी बातें हो सकती हैं, बड़ी फिर भी आपने बड़े नुक्ते सांझे किए पंजाब की हिस्ट्री के बारे में। अब कुछ सवाल है, हम सवाल लेंगे, उसके जरिए हम पंजाब की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। सर पहला सवाल, आपने अपनी किताब में अदीना बेग की एक तस्वीर, दुर्लभ तस्वीर वो दी है, जो पहले पंजाब की हिस्ट्री में, पंजाब के इतिहास के में नहीं मिलती। मैं किताब को पढ़ रहा था तो औरंगजेब के बाद पंजाब में जब अफरा तफरी का माहौल था, एक करैक्टर अदीना बेग पंजाब में विचर रहा था, उसके बारे में आपने लिखा कि पंजाबियों की एक सत्ता अदीना बेग द्वारा स्थापित की जा रही थी, उसकी सेना में हिंदू मुस्लिम और सिख भी शामिल थे कई बार। आप क्या समझते हैं, जब हिस्ट्री के थ्रू गुजरते हैं, कि अदीना बेग एक पंजाबियों की सत्ता स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहा था, जो बाद में एक सिखों को आधार मिला, सिखों ने एस्टैब्लिश की अपनी सत्ता को, वो अदीना बेग ने एक बार पहले एस्टैब्लिश कर दी थी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, अदीना बेग की कहानी बहुत मुश्किल से मैंने हासिल की और तस्वीर भी मैंने बहुत मुश्किल से हासिल की, तो कई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अदीना, और देखिए अदीना एक गरीब इंसान था, वो एक किसान था, और फिर वो सत्ता पे आया, तो उसने ज़रूर उसे टाइटल वाइटल मिली बाद में, लेकिन वो था एक किसान, तो और फिर उस ज़माने में कई सिखों के और अदीना के बीच में लड़ाई भी हुई थी, वो भी उसे हम नकार नहीं कर सकते, वो भी हुआ था। लेकिन ये ज़रूर सही है कि एक पंजाबी किसान सिखों को लेकर के, हिंदू को लेकर के उसने अपनी सत्ता हासिल की, तो ज़रूर इतिहास में ये कहा जा सकता है कि अदीना वॉज ए प्रेडिसेसर, उसके जो सिख सरकार बाद में जो आई वो पंजाबी सरकार, तो अदीना वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ पंजाबी सरकार, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल सर। सर अगला सवाल सानू सुखदेव सोल जी कर रहे ने, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो साडे नाल जुड़े हुए ने, तुहानू स्क्रीन ते सवाल दिखाई दे रहा सर? हाँ दे रहा है, हाँ दे रहा है कि हाउ द प्रेजेंट यूनिवर्स ब्रिटिश कोलैप्स्ड एज रिफ्लेक्टेड एग्रेरियन। हाँ देखिए, ये सही है कि 1957 में जो प्रेजेंट मूवमेंट हुआ था, फिर गदर मूवमेंट हुआ था, वो भी प्रेजेंट मूवमेंट थे, तो उससे काफ़ी चोट पहुँची अंग्रेज सरकार को, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस रेबेलियन को पर वो उन्होंने अपने उसको जवाब ही उन्होंने दे दिया, सरकार ने रिवोल्ट को ख़त्म भी कर दिया, लेकिन वो ज़रूर वो रिवोल्ट ऐसा हुआ था पंजाबी प्रेजेंट का, जिसने हिला दिया था अंग्रेज़ सरकार को, लेकिन हिली ज़रूर सरकार, लेकिन कायम रही, टिकी रही, और उसने रिबेलियन को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर दिया था। लेकिन ये कहना सही है कि वो 1907 का जो प्रेजेंट मूवमेंट था, फार्मर्स मूवमेंट, और फिर बाद में जो गदर मूवमेंट चली, फिर तो उसका तो इम्पैक्ट अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह हुआ वहाँ से, तो वो एक बहुत इतिहास का ज़रूरी हिस्सा है। हाँ जी सर, अगला सवाल भी प्रोफेसर सुखदेव सोल जी कर रहे ने, ये इसके बारे में, ये जून 48 से अगस्त 15 वाई वॉज इट, लेकिन इसके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये माउंटबेटन का खुद का ख्याल था, और उसके पीछे क्या रहा था ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ तो सब लोग जानते हैं कि माउंटबेटन के बारे में, कि वो ज़रूर वाइसरॉय बने, काफ़ी युवा थे, यंग वाइसरॉय बने, नेवल कमांडर थे, लेकिन वो चाहते थे कि इंग्लैंड के नेवी के वो बिल्कुल इंचार्ज बन जाएं, ही वांटेड टू बी द बॉस ऑफ द ब्रिटिश नेवी, किसी तरह से इंडिया का मसला हल करके वो वापस, जो उनकी एम्बिशन थी कि बन जाएं हेड ऑफ द रॉयल नेवी, ये हो सकता है, ये इसका सबूत मेरे पास नहीं है, इसमें स्पेकुलेशन हो सकती है कि माउंटबेटन की बहुत ज़बरदस्त इच्छा थी कि वो जल्दी से जल्द ये काम ख़त्म करे, वापस जाके
जो वो रियली जो वो चाहता था बन जाए, हो सकता है उसके पीछे। लेकिन ये मानना सही है कि उस जल्दबाजी में बहुत ही नुकसान, बहुत ही कीमत सब लोगों को पहुंचानी पड़ी। ये तो सही है। बिल्कुल सर, अगला सवाल भी प्रोफेसर सुखदेव सोल जी तुहानू कर रहे ने जी। यस, ये सही है। शेमफुल फ्लाइट की ये सवाल है कि कम्युनल पोलराइजेशन के बाद ग्रे सरकार जल्दी से हाथ धोकर के चली गई वापस, फिर इतना कारनेज हुआ। और सब चर्चिल ने और सबने कहा कि बहुत शर्म की बात है कि, लेकिन देखिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी गलती हुई और उन्होंने गदर रिबेलियन को क्रश किया, 42 रिबेलियन को क्रश किया, बहुत सारे रिबेलियंस को क्रश किया। लेकिन जब 47 में हुआ तो नहीं नहीं आप तो हम चले जाएंगे, अब हम नहीं संभालेंगे। वो सही है, लेकिन देखिए अगर हम ब्रिटिश की नज़र से भी हमें देखना चाहिए कभी कभी, उनके सोल्जर्स दुनिया भर में हिटलर और जापान से लड़ रहे हैं और 5-6 साल लड़ाई लड़ी है उन्होंने, और इंडिया के लोग कह रहे हैं कि चले जाओ, क्विट इंडिया। आप कह रहे हैं क्विट इंडिया, फिर आप कह रहे हैं कि रुक जाओ। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप को नहीं संभाल पाए, हम एक ट्रांसफर पार्टीशन की लाइन भी हम नहीं बना पाए। हम मारेंगे एक दूसरे को, लेकिन तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ। देखिए एक अगर हम सचमुच में अपने देश के लिए, दुनिया भर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर औरों की गलतियों को ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। तो आगे जाकर के हम कुछ करना चाहते हैं तो हम औरों पे जिम्मेदारी क्यों थोपें। हम जैसे सिखों ने कहा कि हम पंजाब को संभालेंगे उस जमाने में, हम बहुत माइनॉरिटी में हैं लेकिन हम संभालेंगे। लेकिन इंडिया तो हिंदू तो मेजोरिटी में थे, मुसलमान मेजोरिटी, अंग्रेज तो इतने कम थे, क्यों अंग्रेज संभाले हिंदुस्तान को? ये भी एक एंगल हो सकता है देखने का। लेकिन सवाल बिल्कुल सही है कि अंग्रेज सरकार जो कहती थी कि हम लॉ एंड ऑर्डर रखते हैं, लेकिन जब उनकी परीक्षा हुई तो वो भाग गए, परीक्षा के वक्त भाग गए। ये तो उनकी बहुत कमजोरी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक एक महान अगर एक जनता है वो कभी अल्टीमेटली वो जिम्मेदारी औरों पे नहीं थोपती है, वो खुद भी स्वीकार करती है। बिल्कुल सर, अगला सवाल गुरदास डटवाल जी कर रहे ने जी। महाराज ऑफ कपूरथला वाज एब्सेंट एंड ब्लडशेड टुक प्लेस इन हिज किंगडम एंड पैलेस, ये मैं नहीं जानता हूँ। देखिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसके बारे में औरों को रिसर्च करना होगा, मैंने नहीं किया है। ठीक है, अगला सवाल जी तुहाडा उन्हां दा नाल ही है, वो तुहानू पुछ रहे ने। नहीं, हैड द रेड अलर्ट कमीशन ट्रैवल्ड वेयर द लाइन वाज टू बी, कुड द ब्लड शेड हैव बीन अवॉइडेड एज ए, पता नहीं ट्रैवलिंग करने से। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि मुस्लिम हिंदू और सिख लीडरशिप जो थी वो आपस में एग्रीमेंट नहीं कर पाए। देखिए उस जमाने में एक अंग्रेज गवर्नर जो था जेनकिंस, जिन्होंने रिसर्च किया है वो कहते हैं कि जेनकिंस ने तो बहुत मेहनत की वायलेंस को रोकने की, लेकिन जो 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 इंडियन जज थे, चाहे मुसलमान थे सिख थे हिंदू थे, उन्होंने एक दूसरे से, और वो जज थे, वो पॉलिटिशियंस भी नहीं थे, तो जज को तो इम्पार्शल तरीके से देखना चाहिए। अगर चार इंडियन जज नहीं ये फैसला कर पाए, देखिए आजकल भी इंडिया में जगह जगह में डिस्प्यूट्स होते हैं रिवर वाटर और वगैरह,
समय हमें साथ बैठ करके कुछ फैसला करना चाहिए। सिर्फ ट्रैवल से अगर कहना मुश्किल है, नहीं, रेडक्लिफ की ज़रूर कमज़ोरियां थी। देखिए उस समय ये हो गया था कि हम नहीं जाने वाले हैं, हम रिवोल्ट को क्रश करेंगे, लेकिन अब अंग्रेज़ों ने हार मान ली थी, अब तो हम जाने वाले, चाहे माउंटबेटन था चाहे रेडक्लिफ था, उन्हें ज़्यादा इंडिया में अब समय बिताने की मर्जी नहीं थी, हम तो जाने वाले हैं। इसलिए सही है कि जल्दबाजी ज़रूर की उन्होंने, इम्पेशेंस दिखाई अगर ट्रैवल करते तो, लेकिन वो सही है, ट्रैवल करते तो शायद कुछ फ़ायदा होता उससे। बिल्कुल सर, पंजाबी दे विच सवाल कर रहे ने वरिंदर दवाना जी साढ़े नाल जुड़े हुए ने, वो कह रहे ने कि शहीद भगत सिंह होरां दी मूवमेंट बारे बहुत थोड़ा लिखा गया तुहाडी किताब दे विच, ते की भगत सिंह ने अपने पिता जां कांग्रेस दे दबा करके वरत छड्या, जिहड़ा पेज नंबर 286 ते तुसीं मैनशन कीता। ते अगला सवाल ही वो नाल कर रहे ने, शहीद भगत सिंह होरां दी फांसी की सज़ा रद्द कराउण लई गांधी जी ने कुछ नहीं किया ये कहा जाता, पर तुहाडी किताब च लिखिया कि गांधी जी ने कोशिश की थी, कि ये सही है? सही है। तो देखिए ये बहुत ही जरूरी सवाल है और बहुत लोगों के दिल में है। तो गांधी जी ने बहुत कोशिश की, उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने चिट्ठियां लिखी, वायसराय से मिले भी, वायसराय से उन्होंने कहा, लेकिन ये एक और चीज़ मानना पड़ेगा। उस समय क्या था कि गांधी का एग्रीमेंट हुआ था वायसराय के साथ कांग्रेस का, और फिर एक लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी और गांधी जी उसमें जाने वाले थे। तो अगर गांधी जी कहते कि अगर तुम भगत सिंह को की डेथ सेंटेंस नहीं हटाते हो तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा तो गांधी जी ने नहीं कहा। गांधी ने ऐसा नहीं कहा कि अगर भगत सिंह को आप माफ़ नहीं करते हैं तो सारा हमारा एग्रीमेंट रद्द हो जाएगा, ऐसा गांधी ने नहीं कहा। तो ये अगर ऐसा क्रिटिसिज्म किया जाए गांधी पर कि उसने कोशिश की, मिले वायसराय से, अपील की, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सारा प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा, ये सच है। तो वहाँ तक अगर गांधी पर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन ये भी सवाल पूछना चाहिए उस जमाने कि बहुत ही, देखिए हजारों लोग जेल गए थे 1930 में, पूरे सॉल्ट सत्याग्रह के बाद पूरे देश बहुत लाख, फिर रिहा हुए, कई लोग रिहा भी हुए, कई जो तो, लेकिन कहा कि ठीक है अब बात होगी इंग्लैंड में, आगे अगले इंडिपेंडेंस की बात होगी। और देखिए उस समय पटेल था कांग्रेस का प्रेसिडेंट, और कराची में जब अप्रैल में सेशन हुआ कांग्रेस का और मार्च में भगत सिंह जी की फांसी हुई, तो उस समय गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष बोस सब थे। तो अगर गांधी को हम दोषी ठहराना चाहते हैं तो मैंने देखे स्वीकार किया है कि गांधी ने बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं कहा कि अगर भगत सिंह को नहीं छोड़ा जाए तो सारा हमारा एग्रीमेंट, ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन उस एग्रीमेंट के पीछे नेहरू भी थे, पटेल भी थे, सुभाष बोस भी थे। तो ये तो अगर हमें दोष देना है तो सबको देना चाहिए, लेकिन कोई देखिए ये इतिहास में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हम पार्टीशन क्यों हुआ? भगत सिंह की फांसी क्यों लगी? कैसे हम बच सकते थे? ये सवाल बहुत महत्व के हैं, लेकिन इन्हें बहुत गहराई के साथ से उनके साथ हमें कोशिश करनी चाहिए समझने की। और बहुत गलत चीज़ें, बुरी चीज़ें, इंसाफ के खिलाफ चीज़ें, दुख देने वाली चीज़ें होती हैं। और देखिए वायसराय ने क्या कहा था अरविंद के साथ, अरविंद ने गांधी से ये कहा, देखिए देखो मैं अगर कहूँ तो मुझे हटा दिया जाएगा, चर्चिल मेरे खिलाफ है ही, और ये तो इससे एक पुलिस अफसर मारा गया था,
अगर पुलिस अफसर मारा जाता है तो अंग्रेजी कानून कभी नहीं छोड़ सकता। तो उस समय अगर गांधी या पूरी कांग्रेस कहती कि नहीं इस बात पर तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, हो सकता है कि ऐसा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो जाने के लिए उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। और उस नतीजे के का समर्थन सुभाष बोस, नेहरू, पटेल सब ने किया। गांधी गए और भगत सिंह जा चुके थे तब तक। बिल्कुल सर, उन्होंने परिस्थितियों के रख के आप जो चीज़ा देखांगे तो ज़्यादा चीज़ा क्लीयर होनगियां। इस मिलता जुलता सवाल आ जी, 1919 तो बाद पंजाब में गांधी जी की भूमिका एवं प्रभाव पर आपका क्या सोचना है, एक हिस्टोरियन के तौर पे पंजाब पे उनका क्या प्रभाव पिया 1919 के बाद, खासतौर पर जलियांवाले बाग की घटना के बाद? ये अच्छा सवाल है और ये सही बात है कि गांधी का प्रभाव जितना और प्रदेश में था उतना शायद पूरे पंजाब में नहीं था, लेकिन बहुत कम भी नहीं था, ऐसा भी हमें समझना चाहिए। और देखिए, दिक्कत, मैंने यूनियनिस्ट पार्टी की बात की, तो कई जो प्रोग्रेसिव लोग थे वो कहते थे कि फ्यूडल पार्टी के साथ तो बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन गांधी ने कोशिश की कि यूनियनिस्ट पार्टी से कुछ बातचीत करने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन पंजाब की जो कांग्रेस थी, देखिए पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी थी उस जमाने की अनडिवाइडेड पंजाब में, वो एक शहरी पार्टी थी, वो गांवों की पार्टी तो नहीं थी। कुछ सिख पार्टियां थी जरूर गांवों में और यूनियनिस्ट पार्टी थी गांवों में, लेकिन कांग्रेस का बिल्कुल नहीं था गांवों में। तो जो पंजाब के हिंदू कांग्रेस नेता थे उन्होंने तो कहा कि हम गांधी और यूनियनिस्ट की बातचीत हो, हम तो उसके बिल्कुल खिलाफ होंगे। तो और नेहरू भी क्योंकि प्रोग्रेसिव थे, सोशलिस्ट थे, वो भी यूनियनिस्ट पार्टी के तो बहुत ही खिलाफ थे, हम तो एक साथ बिल्कुल नहीं बात कर रहे। तो ऐसे मतभेद तो थे, और लेकिन देखिए जहाँ तक जलियांवाला बाग का सवाल है, लोग तो ये भूल जाते हैं कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ क्यों। अमृतसर में जब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये जो दो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट शुरू की अमृतसर में, और उन्होंने गांधी जी को बुलाया 1919 में। क्यों उन्होंने गांधी को बुलाया? क्योंकि गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था और सत्याग्रह नई चीज़ थी, तो पंजाब के लोगों को सत्याग्रह समझाने के लिए गांधी को बुलाया था, लेकिन गांधी को आने नहीं दिया अंग्रेज सरकार ने, और सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जेल में डाल दिया। इसीलिए अमृतसर की जनता बिल्कुल उत्तेजित हो गई, और फिर तो फिर जब सभा हुई और जनरल डायर ने गोली चलाई, लोगों को मार दिया गया, जलियांवाला का हादसा हुआ। लेकिन वो हादसा इसलिए हुआ था कि सत्याग्रह होने, तो जलियांवाला बाग अगर गांधी के सत्याग्रह नहीं होती तो जलियांवाला का मूवमेंट ही नहीं होता। लोग कह सकते हैं कि फिर लोग मरते भी नहीं, ये भी सही है, अगर सत्याग्रह नहीं किया जाता लोग मरते भी नहीं, वो भी सही है, लेकिन हुआ, गांधी को आने नहीं दिया, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जेल में डाला, लोग गुस्सा में आ गए, तो जनरल डायर ने मीटिंग बैन कर दी और फिर मार्शल लॉ वगैरह वो सब हम सब जानते हैं। तो उसके बाद देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 से 1922 तक काफ़ी तेज़ी से चली, पंजाब में भी बहुत ज़बरदस्त चली, और लाजपत राय खुद लिखते हैं कि ये पंजाब में ऐसा हुआ, हिंदू मुसलमान साथ आए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था, बादशाही मस्जिद में मेरे जैसे काफिर को बुलाया गया बोलने के लिए, ऐसा चमत्कार हुआ लाहौर में, कहते हैं लाजपत राय, कहते हैं कि ऐसी एकता पंजाब में हमने नहीं देखी थी पहले। लेकिन फिर वो एकता कायम नहीं रही 1922 के बाद, फिर हिंदू मुसलमान सिख सब अलग अलग फिर से हो गए। तो ये सही है।
कि जितना इम्पैक्ट उसके बाद हुआ वो शायद और जगह ज़्यादा हुआ, पंजाब में कुछ कम हुआ। सर इहदे नाल मिलदा जुलदा मेरा सवाल है कि यूनियनिस्ट पार्टी दा पंजाब दे विच डोमीनेट सी, खास तौर ते तिन्ने धर्मां दे प्रतिनिधि उहदे विच शामिल सी, एक धार्मिक सद्भाव वाली पार्टी सी। फिर मुस्लिम लीग नूं जां जिहड़ियां कम्यूनल फोर्सेस ने उहनां नूं पंजाब दे विच किवें स्पेस मिलदी आ, क्योंकि असीं देखदे हां कि इश्तियाक अहमद जी दे हवाले दे नाल आपां गल कीती सी पिछले लैक्चरां दौरान के 1930-35 तक इन्ना ज्यादा स्पेस कम्यूनल फोर्सेस नूं है नहीं सी, उस तो बाद लगातार ये चीज़ां घटदियां ने। एक हिस्टोरियन के तौर पर तुसीं ये की कारण मानते हो कि ये चीज़ां वापरियां? देखिए, एक तो जो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि जो पंजाब की मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जिसका फजली हुसैन कह रहे थे कि स्कूलों में, कॉलेज में और या म्यूनिसपैलिटी में, गवर्नमेंट जॉब्स में मुसलमानों को मौका नहीं मिल रहा है, तो ये जो बात थी पंजाब के ख़ास करके जो हिंदू नेता थे कांग्रेस के, उनके समझ में ये बात नहीं आई। उनका ये ख्याल था कि हम हिंदुओं ने, हम तो गए स्कूल अंग्रेज़ों के स्कूल में, हमने पढ़ाई की, तो हमें नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए, हमें क्यों आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अगर ये लोग नहीं गए स्कूल में तो ये इनकी गलती हुई। लेकिन ये जो आजकल जो पूरे मुल्क में रिजर्वेशन का सवाल है, वो उसी किस्म का है। वहाँ के मुसलमान रिजर्वेशन चाहते थे, लेकिन वहाँ के हिंदू लीडर्स रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं थे मुसलमानों के। तो उससे तो कांग्रेस के जो नेता थे, मैंने पहले से कहा कि वो ज़्यादा शहरी नेता थे, ज़रूर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वो जो गरीब मुसलमान था उसकी ज़रूरत समझने के लिए वो शायद तैयार नहीं थे। तो एक वहाँ एक गैप हुआ। और बाद में देखिए, कांग्रेस में कुछ सिख नेता ज़रूर थे, लेकिन मुसलमान नेता कम कम होते जाने लगे। कांग्रेस फिर एक पूरा अनडिवाइडेड पंजाब की कांग्रेस भी एक हिंदू पार्टी हो गई, उससे भी एक नुकसान हुआ। तो और देखिए, आज हम कह सकते हैं, आप कह रहे हैं यूनियनिस्ट पार्टी में हिंदू मुसलमान सिख सब साथ थे, लेकिन जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट था वो बिल्कुल एंटी फ्यूडल और एंटी ब्रिटिश था, तो यूनियनिस्ट पार्टी से बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो देखिए, तो इसके आज भी अगर हम चाहते हैं डेमोक्रेसी के लिए इंडिया में कुछ काम करना चाहते हैं, तो सब किस्म के लोगों को लेकर से साथ चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अज के समय से बहुत चीज़ा जरूरी ने। सत्यपाल सहगल जी पंजाब यूनिवर्सिटी तो साढ़े नाल जुड़े हुए हैं, वो तुहानू सवाल कर रहे हैं जी। पहला सवाल उन्हां दा हैगा कि पंजाब के इतिहास में आपकी दिलचस्पी क्यों हुई, उसके साथ ही है उनका सवाल है, खास करके औरंगजेब से लेकर माउंट बैटन तक के समय की कोई व्यक्तिगत कारण वो पूछ रहे हैं इसके बारे में। पंजाब के इतिहास की चर्चा में आज का हरियाणा और हिमाचल अक्सर छूट जाते हैं, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? अरे कितने कितने अच्छे पॉइंट्स इन्होंने अपने एक सवाल में रखे हैं, तो एक एक पॉइंट बहुत ही महत्व का है। तो देखिए, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, मैं स्कूल दिल्ली गया था, तो जब मैं 10 11 12 साल का था तब पार्टीशन हुआ, और मेरा जो स्कूल था उसमें बहुत कम पंजाबी थे, लेकिन 47 के बाद बहुत ज़्यादा पंजाबी आ गए, हिंदू पंजाबी, सिख पंजाबी आ गए, और जो मुसलमान बच्चे थे वो चले गए, जो मुसलमान टीचर थे वो चले गए। तो मेरे स्कूल में, और मेरे स्कूल में एक अकबर हाउस हुआ करता था, वो अकबर हाउस भी नाम उसका बदल दिया गया। तो फिर मैंने देखा कि पूरे दिल्ली की शक्ल बदल गई थी, और फिर गांधी की भी हत्या हुई, मेरे दादा की हत्या हुई दिल्ली में, और इसलिए, और दिल्ली तो एक ज़माने में पंजाब का हिस्सा था, आज लोग भूल गए हैं, लेकिन दिल्ली तो एक ज़माने में पंजाब प्रोविंस, अंग्रेज़ों के ज़माने में पंजाब प्रोविंस का हिस्सा माना जाता था। तो दिल्ली और पंजाब, क्योंकि मैं दिल्ली में मेरे स्कूल गया, तो ये मेरे पर्सनल, क्योंकि स्कूल में मेरे बचपन में जो हालात हुए और दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ वो भी था। और मेरे कई पंजाबी दोस्त थे, और एक मुसलमान लड़का था मेरी क्लास में जो बाद में जा कर के पाकिस्तान चला गया, मेरी क्लास का लड़का था जावेद अख्तर। तो
इसलिए देखिए कोई भी जो जो 40s में 50s में बड़ा हो रहा था वो पार्टीशन के बारे में ज़रूर हिलता था, ख़ासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया में थे, तो मैं दिल्ली में था, साउथ में शायद अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर कलकत्ते में या दिल्ली की बात हुई तो ज़रूर पंजाब वॉज़ ए वेरी बिग फैक्टर। इसलिए ये पर्सनल रीज़न भी था, और क्योंकि मेरा दिल कहता था, मेरा मन भी कहता था कि अगर इंडिया पाकिस्तान को, हिंदुस्तान हिंदुओं को, मुसलमान को एक कुछ एक साथ काम करना है तो ज़रूर कुछ हमें समझना चाहिए क्या हुआ, ये क्यों हुआ, वो भी एक दूसरा सवाल था। लेकिन ये जो हरियाणा और हिमाचल की बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आगे जा कर के अगर हमें कुछ करना है तो साथ ही करना होगा। अब फार्मर्स के एजिटेशन में देखिए ज़बरदस्त हो रहा है कि पंजाब के फार्मर्स, हरियाणा के फार्मर्स साथ मिल करके काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गजब की चीज़ है। लेकिन ये बहुत ही अच्छे बढ़िया सवाल पूछे गए हैं, तो वो ये सवाल सुनकर ही मुझे खुशी होती है। हाँ जी सर, सवाल बहुत आ रहे ने, आपा सवाल लवेंगे, कुछ क सवाल मेरे भी हैगे ने, ते जिन्ने तुहाडी इच्छा होई उन्नी सवाल आपा लवेंगे। हाँ पूछिए पूछिए, जरूर पूछिए। हाँ जी, एक मिनट, महबूद अवान जी साढ़े नाल जुड़े हुए ने पाकिस्तान तो जी, बिल्कुल, आयरलैंड तो, वो तुहानू सवाल कर रहे ने। हाँ नहीं मैंने देख लिया, बहुत बढ़िया सवाल है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि पंजाबियत, पॉलिटिकल नेशनलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पंजाबियत क्यों नहीं तैयार हुआ। ये देखिए एक जो आजकल हो रहा है, और कई पंजाबी हिंदुस्तान भारत के, कई पंजाबी पाकिस्तान के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से और एक दूसरों की तकलीफ़ें समझ रहे हैं, ये बहुत ही इनक्रेजिंग चीज़ है। और इसलिए लेकिन मैं ये एक मेरी गुजारिश है कि हम सिर्फ पंजाबियत पे ना रुकें, क्योंकि हमें औरों को भी तो साथ लेना है ना। पंजाबियत एक बहुत बहुत ही एक कीमती चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है, प्यारी चीज़ है। इसको तो हमें बचाना है, बड़ा करना है, पालना है और मजबूत करना है, लेकिन हमें वहाँ रुकना नहीं। हमारे जो सिंधी भाई हैं, पठान भाई हैं, या हमारे मराठी भाई हैं, बंगाली भाई हैं, उनको भी साथ लेकर के हमें चलना है। इसलिए पंजाबियत के साथ साथ हमें कुछ और चाहिए। हम डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी भी उसको साथ ले चाहिए, बराबरी, डेमोक्रेसी, पंजाबियत, ये सब मिलीजुली चीज़ है, एक साथ है। और बस मैं रुकता हूँ। सवाल कर बिल्कुल सर, ये गल तुसी पंजाबी दे हवाले दे नाल महमूद अवान जी ने भी गल की, असी देखिया कि तुसी किताब दे हवाले दे नाल भी गल की है कि पंजाब एक अजिहा सूबा रहा जिथे नाथ योगियां दी परंपरा रही है, सूफियां दी परंपरा रही है, गुरु साहिबान दी परंपरा रही है, फकीरां दी सांझीवालता दा संदेश रहा, ते लोक आपसी मेल मिलाप दे नाल इत्थे जिहड़े सदियां तो रहिंदे होए आ, तां इत्थे की अचानक यह जहा वापरिया, की अचानक यह जहा घटिया, खून खराबा होया, मनुखता का त्या जरा घाण होया, यह सारा क्यों वापरिया? क्योंकि इतों का जो प्रवचन से, इतों का जो डिस्कोर्स से जो साझीवालता का, वह तो बड़ा जरा पावरफुल सगा, फिर भी ये चीज़ा क्यों घटिया, खास तौर पर वंड के हवाले के नाल जो आप गल करिए, यह सारा कुछ किवें वापरिया, यह सारा कुछ कितें तुसी क्योंकि इतिहास के उन्हां स्रोतों को खंगालिया, थोनू की लग्या कि यह अचानक यह सारिया घटनावां क्यों घट गईयां? देखिए इस सवाल का जवाब इतना आसान तो नहीं है। ये सवाल तो दुनिया के हर एक हिस्से के बारे में पूछा जा सकता है। इतना इतना इतनी मारकाट दुनिया भर में क्यों होती है, क्यों हुई है। और ये बिल्कुल सही है कि गुरु साहब के जो संदेश थे, और जिसे सब लोगों ने स्वीकार किया था, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सबने स्वीकार किया था। और लेकिन देखिए एक और सवाल पूछा जा सकता है कि देखिए गुरु नानक इतनी कीमती चीज़ हैं दुनिया के लिए, आज उसका हम क्यों नहीं और फ़ायदा अब उठा रहे हैं आज।
आप कल और परसों की बात पूछ रहे हैं, मैं आज और आने वाले कल की बात करता हूँ कि अब जो हमने सीखा है, जो हमने कीमत चुकाई है, जितना खून बहा है, उससे हम क्यों नहीं कुछ सीखते हैं आगे के, कम से कम आगे के लिए तो सीखें और कुछ आगे के लिए काम करें। लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें सिर्फ इतिहास का शोध या रिसर्च हमें शायद उससे सिर्फ हमें मदद नहीं मिलेगी, हमें कुछ सोचना भी चाहिए और इसमें हमें कुछ क्या कहा जाए, सिर्फ इसमें मन नहीं लेकिन दिल भी लगाना है, इसमें आत्मा भी लगानी है, इसमें कुछ ये बहुत ही गहरी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसमें इसमें देखिए हम क्यों गुरुओं के सामने झुकते हैं, क्योंकि जो उनका सैक्रिफाइस हुआ वो सैक्रिफाइस के लिए भी तो तैयार थे। तो क्या हम तैयार हैं? लेकिन वो माफ करने को भी तैयार थे। गुरु तेग बहादुर का मैं जानता हूं जो माफी के लिए वो तैयार थे। तो ये बहुत बड़ी चीज है लेकिन आसान चीज नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, इसमें मन और दिल और आत्मा की जरूरत है और देखिए सबसे बड़ी चीज एक दूसरे की बात सुनने की जरूरत है। मैंने रिसर्च किया, अध्ययन किया, दुनिया भर गया भी हूँ। एक बात मैंने सीखी है, मैं अंग्रेजी में कहूँगा पहले, कि वी हैव ओपिनियंस अबाउट वन अनदर बट वी डोंट हैव नॉलेज। हमारी राय हैं, हमारे सस्पिशंस हैं औरों के बारे में, लेकिन हम औरों की बात सुनते नहीं हैं, उनके बारे में पढ़ते नहीं हैं। तो मेरी अच्छी किस्मत हुई कि मैंने पंजाब का कम से कम थोड़ा बहुत तो अध्ययन किया और मैं इतना समझ पाया। और कितने मेरे गर्व की बात है कि पंजाब के ही लोग मुझसे पूछते हैं पंजाब के बारे में, ये तो आई एम वेरी लकी मैन। लेकिन ऐसे ही अगर हम अगर मेरी किताब में से थोड़ा बहुत भी किसी को कुछ फ़ायदा हुआ, तो मेरी एक प्रार्थना ये है कि वो उससे इंस्पिरेशन लेकर के मुझसे कहीं बेहतर काम करें। और लखवीर, यू आर, आप नौजवान हैं, यू आर अ प्रोफेसर, लेकिन आप नौजवान हैं और आपके जो साथी हैं, मैं बहुत ही आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड फैंटेस्टिक दैट इन अ प्लेस लाइक श्री मुक्तसर साहब इतनी स्कॉलरशिप हो रही है और इतने सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आई एम वेरी एनकरेज्ड। बिल्कुल सर, असीं तुहाडी आशा ते पूरे उतरन की कोशिश करांगे। पंजाब दे हवाले दे नाल जिहड़ी गलबात हो रही है उहनूं अगे लैके जाण की कोशिश करांगे। तुहाडे वर्गे स्कॉलर तो असीं सिखदे हां, लगातार इन्हां चीज़ां नूं पढ़दे हां, वाचदे हां, तां असीं कोशिश करांगे कि असीं इस गल नूं अगे लैके जाइए। सर, एक सवाल प्रोफेसर जगदीश कौर जी कर रहे ने तुहानूं। अजकल वो लिख रहे ने कि अजकल एंटी गांधी मूवमेंट चल रही है, की तुहानूं लगदा है कि इउं गांधी जी नूं इतिहास चों खारज किया जा सकदा? इतिहास लिखण की असल जिम्मेवारी किस दी है? उसके बारे में इतना कहूंगा कि 1915 जब गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, उस समय साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। तो एक भाई ने उनसे पूछा कि क्या आपको इंडिया में सफलता मिलेगी, क्या सत्याग्रह इंडिया के लोग समझेंगे, क्या आपको फॉलोअर्स या सपोर्टर्स मिलेंगे? तो गांधी जी ने यह जवाब दिया, ये जिन्होंने ये सवाल पूछा था उन्होंने अपनी किताब में बहुत साल बाद ही लिखा है, कि गांधी ने यह जवाब दिया कि हाँ, मुझे विश्वास तो है कि मुझे सफलता मिलेगी, मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स भी मिलेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे फॉलोअर्स मुझे छोड़ देंगे और मुझे दरवाजे पे दरवाजे जा जाकर भीख मांगकर मुझे खाना लेना होगा, क्योंकि
मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं मैं उन्हें तो छोड़ने वाला नहीं हूं, तो मेरे फॉलोअर्स शायद मुझे छोड़ देंगे। देखिए, गांधी कहते थे दिल से कि ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए और हिंदू मुसलमान भाई भाई होने चाहिए, लेकिन अगर हम कहें कि मुसलमानों से नफरत करना अच्छा है तो हम गांधी से कैसे प्यार कर सकते हैं? अगर हम कहें कि नफरत फैलाना अच्छा है या ज़बरदस्ती कराना अच्छा है, धमकी देना अच्छा है, कि कुछ लोगों से कहना कि ज़बरदस्ती तुम ये तुम नारा चिल्लाओ, तो हम गांधी को कैसे प्यार कर सकते हैं? गांधी इंसान था, वो और हर इंसान में कमज़ोरियां होती हैं, लेकिन गांधी जी के जो असूल थे, क्या असूल थे उनके, कि अच्छा आदमी वो है जो पीड़ पर आया जानता है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ऊपर वाला एक है, चाहे हम सिख हों मुसलमान हों हिंदुओं, ऊपर वाला तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, और एकला चलो रे, अगर तुम्हारे साथ कोई ना आए लेकिन अगर सच लगता है तो अकेले चलो। तो ये गांधी के असूल थे। तो जिन बहन ने कहा है, भाई ने जो सवाल पूछा है कि गांधी के खिलाफ जो हो रहा है, ज़रूर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन इससे हमें शौक नहीं होना है, ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि अगर दुनिया में ये जो नफरत का माहौल, जैसे मैंने बताया ना कि 1946-47 में जो नफरत की हवा थी, जहरीली हवा थी, देखिए ये छोटी बात नहीं है कि गांधी नेहरू और लोगों ने उस हवा को रोक दिया और हिंदुस्तान को एक सेक्युलर प्लूरलिस्ट देश बनाया और 60-70 साल तक वो चला। ये एक तरफ हम कह सकते हैं अरे कितने आश्चर्य की बात है कि गांधी की निंदा कर रहे हैं लोग, लेकिन नहीं, ज्यादा आश्चर्य की बात है कि कैसे ये सेक्युलर और प्लूरलिस्ट देश बन गया। और आज की भी जो जहरीले हवा है, मेहनत के साथ, तपस्या के साथ, दोस्ती के साथ, एक दूसरे को माफ करने से और त्याग की अगर हमारे में शक्ति है, तो दोबारा इस जहरीली हवा पर हम काबू पा सकते हैं। बिल्कुल सर, उस फलसफे तो असी सीध लैके दोबारे भी उसते काबू पा सकते हैं। बिल्कुल तुहाडी गल सही है। सुखदेव सोल जी तुहानू सवाल कर रहे ने, वो कह रहे ने कि हु इज़ द योर मॉडल ऑफ राइटिंग हिस्ट्री एज ए पब्लिक हिस्टोरियन। नाल ही वो तुहानू कह रहे ने कि तुहाडी अगली किताब कदों आ रही है, किस टॉपिक ते तुसी काम कर रहे हो? देखिए, अब मेरी उम्र हो गई है 85 की, इस समय मैं किसी खास किताब पर काम नहीं, पहला वक्त आया है 40 साल में जब मैं किसी किताब पर काम नहीं कर रहा हूँ। और देखिए, सच पूछा जाए तो इस समय मेरा मन, मेरा दिल तो जो डेमोक्रेसी के ऊपर हमला हो रहा है दुनिया भर में, वो वहाँ है, तो वो मेरी चिंता सबसे ज़्यादा है। और पता नहीं मैं आगे की क्या, लेकिन एक मेरा दिल में एक सवाल ज़रूर है। मैं चाहता हूं कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन सिचुएशन है, जो अमेरिका में जो कोशिश हो रही है ना कि वाइट अमेरिका एस्टेब्लिश किया जाए और दैट वाइट्स ओन अमेरिका, ये गोरों का, तो अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ रिश्ता कैसे हमारे इंडियंस का बढ़ाया जाए, ये एक मेरी चिंता है। तो मैं एक अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ जो डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है उस पर भी मेरा दिल जाता है। लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो शायद शायद मैं कुछ अफ्रीकन अमेरिकन सब्जेक्ट पर कुछ काम करूं, लेकिन कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। सर, साढ़े एक सवाल आया साढ़े तो साढ़े नाल वीसी संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी तो जुड़े ने, वो सानू तुहानू सवाल कर रहे ने, वो पूछ रहे हैं कि जिहड़ी वंड हुई, पार्टीशन हुई, उहदे विच पोलिटिकल लीडरशिप की किन्नी रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़ी सीगी? जरूर है, पोलिटिकल लीडरशिप इज रिस्पोंसिबल। सो गांधी, नेहरू, पटेल, ऑल आर रिस्पोंसिबल।
एंड जिना एंड द ब्रिटिश, लेकिन आई थिंक द पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. देखिए जैसे मैंने कहा, whether it's Gandhi or anybody, even a political leader, especially in a democracy, cannot operate on his own or on her own. A leader is effective when the people are with him. Otherwise, he's not effective. लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक लीडर कोई चमत्कार या जादू कर सकता है. हाँ, हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने अगर ये साथ आ सकते थे तो पार्टीशन नहीं होता, ये तो सच है. लेकिन वो नहीं हो पाया. लेकिन वो शायद इसलिए भी नहीं हो पाया, देखिए कई दफ़े जब समझौता हो सकता था. अब देखिए, अब गांधी ने ये कोशिश भी की थी कि देखो जिना को अगर हम प्राइम मिनिस्टर का ऑफ़र देते हैं यूनाइटेड इंडिया का, तो शायद वो पार्टीशन की मांग छोड़ देगा. लेकिन नेहरू पटेल ने कहा बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं स्वीकार करेंगे. और शायद उन्होंने कहा कि जनता भी नहीं स्वीकार करेगी. तो कोई पॉलिटिशियन भी अच्छा से, बहुत ही होशियार पॉलिटिशियन हो, जो फ्यूचर को समझ सकता हो, जो तकलीफें जानता हो, जो जो डेंजर्स को समझता हो, वो भी जो चाहे वो तो नहीं कर सकता है जब तक पब्लिक उसके साथ नहीं हो. बिल्कुल सर, ये नाल मिलता जुलता मनीष जी सवाल कर रहे ने कि आप अक्सर हिस्टरी के जी पार्टीशन हुई वो जी जिम्मेवारी आ ब्रिटिश दर के पॉलिटिशियन के उत्ते पा दें. लोगों की जिम्मेवारी कदों निर्धारित की जाऊगी, खास तौर पर इश्तियाक अहमद जी के किताब के हवाले के नाल जो आप गल करिए तो उन्होंने इस पासे काम किया, कई लोगों इंटरव्यूज भी कीतिया ने, उन्होंने लोगों ने मनिया कि उन्होंने उस कतलेआम के हिस्सा लिया तो माफ़ी भी मंगी आ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਝੇ. ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੇਖੀਏ, ਹਰੇਕ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਕੋ, ਲੀਡਰਸ ਕੋ, ਨੇਤਾਓਂ ਕੋ. ਔਰ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ. और बात करने की, सुनने की, शायद अगर मैं कहूँ, मेरे जो काफ़ी लंबा जीवन हो चुका है उसमें मैंने ये सीखा है कि हम औरों की बात सुनें, अपनी बात कुछ कम रखें, औरों की बात सुनें तो उससे फ़ायदा होता है. और बहुत अच्छे ख्याल भी, अगर हम औरों की बात सुनने बगैर हम उसे थोपना चाहें तो उससे बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं. बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल तुहानू मेरे वालों कि देश की जो वंड हो रही सी, तुसी अप्रोक्सीमेटली मैं लगता 10 या 15 साल के विचकार होंगे उस समय वंड दे समय, क्योंकि तुसी महात्मा गांधी जी नू भी मिलते सी तुहाडे घर दे विच, मैं तुहाडी इंटरव्यू सुन रहा सी, गफार गांधी होरी सरहदी गांधी जिन्हां नू कहा जांदा, वह भी जांदे आउंदे जांदे सी अक्सर, तुहाडे लीडर जिहड़े मेन लीडर सी वह भी तुहाडे घर आउंदे जांदे सी. उस समय वंड दे समय खास तौर पर दिल्ली दे विच लीडरशिप दे विच की गल्लां चल रही सी, दिल्ली दे विच तुहाडे आस पास जिन्हां लीडर नाल तुहाडा जां गांधी जी नूं तुसीं मिलदे सी तां उस समय किस तरह का माहौल सी, गांधी जी दे बारे दे विचार किस तरह दे सी वंड दे बारे? देखिए, गांधी जी के उस समय जो विचार थे उसके बारे में जो मुझे जानकारी है वो उस समय की मेरी पर्सनल बातचीत के आधार पर नहीं जानकारी है, वो तो मेरे स्कॉलरशिप से मुझे मिली है. उस समय तो मुझे इतना मालूम है कि कलकत्ते में काफ़ी एक किस्म का चमत्कार ही हुआ कि गांधी जी की वजह की, औरों ने भी मदद की लेकिन गांधी जी की बहुत ही बहादुरी की वजह से कलकत्ते में एक किस्म की शांति आई सितंबर में 47 में. फिर वो पंजाब जाने वाले थे, ये तो लोग भूल गए हैं कि वो पंजाब जाने वाले थे, लेकिन जब वो दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत ही बुरी हालत थी. तो गांधी को ये आया, विचार आया कि अब पाकिस्तान जाके क्या करूँगा, अब तो मैं यहाँ, अगर दिल्ली नहीं बचता है तो फिर क्या होगा देश का. तो वो दिल्ली रुके और 5 महीने बाद दिल्ली में उनकी को मारा गया.
तो उस समय ये तो मैं पर्सनल देखता हूँ, जब मैं उनके पास जाता था देखता था, तो उनका ख्याल था कि कैसे ये जो मारकाट हो रही है एक दूसरे, वो कैसे रोकी जाए। पार्टीशन तो उस समय हो चुका था, और लेकिन पार्टीशन से पहले भी मैं दिल्ली, वो थे, मैं उनसे मिलता था, लेकिन पार्टीशन होने वाला था। और ये तो मेरा स्कॉलरशिप बताता है, ये उस समय की बातचीत से नहीं मैं कह रहा हूँ, कि मेरा स्कॉलरशिप बताता है कि उस एंड ऑफ 46 में नेहरू पटेल वगैरह ने तो फैसला कर दिया था कि ये बहुत मुश्किल है संभालना, ये जिन्ना बहुत ही दिक्कत दे रहा है, और ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज अगर हमारे साथ रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, तो जाने दो। तो ये इन्होंने, और देखिए, पटेल, नेहरू, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, ये सब इसके पक्ष में थे, गांधी इसके खिलाफ थे। लेकिन गांधी और पब्लिक भी उसके खिलाफ थी। और ये भी आप जानते हैं कि जब ये रावलपिंडी अटक वगैरह में जो मार्च 47 में दंगे हुए, मार्च 47, तब सिखों ने कहा, पंजाब के सिखों ने, कि हम तो वेस्ट पंजाब छोड़ के ईस्ट पंजाब जाएंगे, और हम तो पंजाब का पार्टीशन चाहते हैं। ये तो सिखों की डिमांड थी। तो अप्रैल 47 जब आया, तब तक कांग्रेस के नेताओं ने तो फैसला कर दिया था कि पाकिस्तान पार्टीशन होना हमारे लिए अच्छा है, और कई सिखों ने भी ये मान लिया। गांधी जी को ये बहुत बुरा लगा, इसीलिए उनका ये आइडिया था कि जिन्ना को मौका दो, लेकिन असेंबली में तो वो माइनॉरिटी में होगा, कांग्रेस वाले होंगे, इसलिए वो उसे कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन क्योंकि जिन्ना तो न पंजाब का है न सिंध का है, वो तो गुजराती है, और वो तो पूरे इंडिया के मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहता है। ही वॉन्ट्स एन ऑल इंडिया रोल, ही इज नॉट हैप्पी विद, तो मौका दो उसको। नहीं, हम तो नहीं देंगे जी मौका। तो गांधी ने कहा, अगर ठीक है, तुम लोगों के साथ मैंने इतने 30 साल काम किया है, तुम जवान हो, आगे का काम तो तुम करोगे, मैं थोड़ी करूंगा, जो तुम्हें करना हो करो। ये हुआ। बिल्कुल सर, आपने पंजाब की हिस्ट्री के बारे में जो विभिन्न नुक्ते हैं वो हमारे साथ सांझे किए। इतने लंबा समा, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, सवालों के जरिए और आपने अपनी लेक्चर के जरिए पंजाब की हिस्ट्री की परतें फोलन की जो बड़ी भरपूर कोशिश की। आपकी किताब के हवाले से पंजाब की हिस्ट्री के बारे में अक्सर यहाँ बात होती है। आज हम बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, रिसर्च करने वाले बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपकी किताब रिकमेंड की जाती है यहाँ। वहाँ से आपकी किताब के जरिए पंजाब की हिस्ट्री की जो जानने का जतन है वो विद्यार्थी भी करते हैं, स्कॉलर भी करते हैं और टीचर भी करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी पंजाब की हिस्ट्री के बारे में इतनी अच्छी बातें हमको बताई, जो हमारे से कई लोगों को इतनी बातें जो पता नहीं होगी, जिन्होंने जो किताब नहीं पढ़ी, खास करके उनके बारे में बात बात कर रहा हूँ। आपका हमारी समूह कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल डॉक्टर गुरजिंदर सिंह ब्रार जी की तरफ से, समूह विद्यार्थियों की तरफ से और स्टाफ की तरफ से, और खास तौर पे मेरे तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इस मंच के जरिए आपने पंजाब की हिस्ट्री के बारे में अपने नुक्ते जो है, आपने जो इस पे रिसर्च की वो हमारे साथ साझा की। तो आशा करेंगे कि आप कभी पंजाब में आएंगे तो हमारे यहाँ मुक्सर में भी आएंगे और हम आपको लाइव सुनेंगे और यहाँ पे भी पंजाब की हिस्ट्री के बारे में आप जो गुफ्तगू है वो होगी। तो आशा है कि इसी तरह हम एक इस तरह का संवाद है जो लगातार इस मंच तो बनाई रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਰੀਏ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
असी माफ़ी चाहांगे जिहड़े दोस्तां दे सवाल असी नहीं लै सके, असी कोशिश करांगे प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी नूं असी उन्हां सवालां नूं मेल करिए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਪੁਛਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।